मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फीलिंग वेल एट टू प्लेसेस। माई सेल्फ विनय कुमार शाह फ्रॉम शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 3 मैट्रिसेस। इसका रिवीजन है बेटा चैप्टर 3 मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस या मैट्रिक्स इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट of the elements in a rectangular bracket is called matrices. Clear? तो matrix क्या है, matrices क्या है? Basically it denotes the arrangement of elements. Clear? Now see here, matrices का जो general form है उसको जो हम लिखते हैं is basically A equals to Aij of M by N. Clear? Matrix की जो general form है is basically Aij shows the position of the element, ith rows और j column के intersection पे कोई element है, its position is Aij, and M is number of rows and N is number of columns. Clear? Just like the example of matrix, I have to write this is A equals to A11, A12, A21, A22, A31, A32. Now, how many rows? 1, 2, 3 and 2 columns. Now, this is the order of this matrix is 3 by 2. इसमें आप देख सकते हैं कितनी rows हैं, 1, 2, 3 and number of column is 2. Clear? Now, its order is 3 by 2. Clear all of you? Next is types of matrix. नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज ओनली वन कॉलम। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होता है इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑप्शन रोज के लिए तो 3 है बट कॉलम इज 1, नाउ इट्स ऑर्डर इज 3 बाय 1। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। सेकंड इज रो मैट्रिक्स। सेकंड इज रो मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगी देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। थर्ड इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज ऑल द एलिमेंट इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। क्लियर? दिस इज द नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2। नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले अगर हम बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि बेसिकली यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिपेंड करती है स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच हैज नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। एम यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है एंड एन इज शोज द नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? तो जिस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स 2 बाय 2 ऑर्डर की है, 3 बाय 3 ऑर्डर की है, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स की। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज A12, A21, A22, now its order is 2 by 2. Next is identity or unit matrix. And identity or unit matrix is a matrix which is one diagonal element is 1 and other element is 0. Yani, एक diagonal के elements 1 है, बाकी elements क्या है? 0, and then it is called unit or identity matrix. नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इक्वल मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इज अ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स व्हेन इट्स ऑर्डर आर सेम, its order are same, and second its corresponding elements are equal, its corresponding elements
आर इक्वल। तो दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी कहलाएंगी जब उनके ऑर्डर सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, जस्ट लाइक दिस इज वन एक्स वाई टू एंड दिस इज वन फाइव सिक्स टू। तो अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। दिस एलिमेंट इज वन, दिस इज ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज वन, दिस इज टू, दिस इज ऑल्सो टू। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम इक्वल करें तो एक्स किसके इक्वल होगा 5 के एंड वाई इक्वल्स टू 6। तो दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में अगर हम बात करें बेटा यहां पे, तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट है एडिशन, और एडिशन में हमें ध्यान रखना है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर पॉसिबल व्हेन इट्स ऑर्डर आर सेम। अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, अगर एक मैट्रिक्स 2/3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2/3 की होनी चाहिए, और उनका अगर हमें एडिशन करना है, जस्ट लाइक द 2/3 एलिमेंट इज 2 1 3 0 2, दिस इज 2/3 1 2, इट इज टू एलिमेंट टू रोज एंड थ्री कॉलम्स, और दूसरी मैट्रिक्स बी में एलिमेंट है 1 1 2 0 1 2। और जब हम इनका एडिशन करेंगे तो एडिशन करते हैं हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। a11 से ऐड होगा, दिस इज 2+1, a12 से होगा 1+1, देन 1+2, 3+0, 0+1, 2+2, एंड नाउ दिस इज 3 2 3 3 1 4, एंड इट्स ऑर्डर इज 2/3। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होता है व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। तो सेकंड इज मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन पे यदि हम आए तो इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, देन इट्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। क्लियर? यानी हम पहले चेक करेंगे कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, देन इट्स मल्टीप्लीकेशन विल बी पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? जस्ट लाइक द एग्जाम्पल ऑफ दिस, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है 1 2 1 0 एंड द मैट्रिक्स बी इज 2 1 1 2। क्लियर? इट्स ऑर्डर इज 2/2 एंड इट्स ऑर्डर इज ऑल्सो 2/2। अब यहां पे अगर देखें तो यह नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, और यहां नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नाउ इट्स प्रोडक्ट विल बी पॉसिबल। क्लियर? अब यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो अगर ये m बाय k ऑर्डर की है और ये k बाय n ऑर्डर की है, तो इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो m बाय n ऑर्डर का होगा। क्लियर? अब इनका प्रोडक्ट करते हैं हम, a इंटू बी, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है 1 2 1 0, इंटू बी में एलिमेंट है 2 1 1 2। क्लियर? अब इसका अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, दिस रो इज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, वन रो मल्टीप्लाइड बाय वन कॉलम गिव्स वन एलिमेंट, और वन रो जब ऑल द कॉलम से मल्टीप्लाई होगी इट गिव्स वन रो। क्लियर?
और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा एंड बिटवीन साइन इज पॉजिटिव, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड बिटवीन साइन इज पॉजिटिव। अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 इंटू 1, देन 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, नाउ दिस इज 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 2 1, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स एंड इट्स ऑर्डर इज 2 बाय 2। क्लियर ऑल ऑफ यू? इस तरह से हम प्रोडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नाउ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ए इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स व्हेन रोज is converted into the column or column is converted into the rows, या तो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, और इसको हम इट रिप्रेजेंट बाय ए डैश और ए की पावर टी। किसी भी ट्रांसपोज को हम या तो डैश से रिप्रेजेंट करेंगे या ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि हम फॉर द एग्जांपल ऑफ दिस ट्रांसपोज यदि लेते हैं 1 2 3 3 1 2 4 1 0, तो ट्रांसपोज का वर्क होता है बेटा या तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, पर दोनों एक साथ नहीं करने। क्लियर? अब अगर मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो वे टू राइट दिस इज 1 2 3, दिस रो इज कन्वर्टेड इनटू द कॉलम, दिस रो इज कन्वर्टेड इनटू द कॉलम, दिस इज 3 1 2 एंड दिस इज 4 1 0, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज इज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स का सम करें फिर उसका ट्रांसपोज करें, या ए का ट्रांसपोज करें फिर बी का ट्रांसपोज करें और उनका सम करें, बोथ आर इक्वल। क्लियर? सेकंड इज ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। थर्ड इज ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। फोर्थ इज के इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इंटू ए ट्रांसपोज। यानी अगर किसी कॉन्स्टेंट के साथ कोई मैट्रिक्स आ रही हो और हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का करेंगे, कॉन्स्टेंट का नहीं। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टूडेंट गलती करता है। क्लियर? तो आपको अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है तो वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो इफ ए इज symmetric matrix when A transpose equals to A, A transpose किसके equal हो, A के यानी किसी matrix का हमने transpose किया और वही given matrix आ जाए, या Aij element की position Aji के equal हो जाए, then we can say that matrix A is symmetric matrix. And if A is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix when A transpose equals to minus A, A transpose equals to किसके होगा minus A के, या Aij equals to minus Aji, Aij element की position यदि minus of Aji के equal है, then we can say these are skew symmetric matrix. Clear? And its properties is, properties of symmetric and skew symmetric matrix is, फर्स्ट इज
प्रॉपर्टी इज फर्स्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए इंटू ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्लियर. एंड थर्ड इज मैट्रिक्स ए एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे बेटा 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पुट अप होता है. मैट्रिक्स ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर पी हमने एज्यूम कर लिया हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश शोज द रिलेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश शोज द रिलेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वी आर टेकिंग द सम ऑफ पी प्लस क्यू, देन पी प्लस क्यू का सम यदि ए आ जाता है तो वी कैन से वी हैव टू कन्वर्ट मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और यहाँ आप देख भी सकते हैं हाफ कॉमन ले लिया हमने, कॉमन जब इनको ऐड करेंगे हाफ कॉमन है. ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, देन ए प्लस इज 2a एंड 2 से 2 कैंसिल, नाउ दिस इज इक्वल्स टू a. क्लियर. नाउ दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिक्स. नाउ हैविंग सम क्वेश्चंस, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस चैप्टर 3 में जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 यस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल्स टू दिस इज माइनस 1 5 0 13. क्लियर. अब यहां पे अगर हम बात करें इसमें तो दिस आर इक्वलिटी मैट्रिक्स, इट्स ऑर्डर इज 2 by 2 एंड इट्स ऑर्डर इज ऑल्सो 2 by 2. देन a माइनस बी किसके इक्वल है माइनस 1 के एंड 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0. एलिमिनेट कर लें दोनों इक्वेशंस को तो सेम टर्म सेम साइन सब्सट्रैक्ट कर दें इसको, ये कैंसिल हो गया. a में से 2a के दिस इज माइनस a इक्वल टू माइनस 1, नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 1. क्लियर. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें इसकी वैल्यू. नाउ दिस इज 1 माइनस b इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 इधर है, दिस इज पॉजिटिव इक्वल टू b, नाउ द वैल्यू b इज इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट हम c की वैल्यू निकालते हैं, कंपेयर कर लें 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, a1 टू एलिमेंट इक्वल्स टू a1 टू एलिमेंट होगा. नाउ दिस इज 2a की वैल्यू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, नाउ c इक्वल टू 5 माइनस 2a इज 3. नेक्स्ट d की वैल्यू निकाल ले तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं 3c प्लस d इक्वल टू 13, देन 3c की वैल्यू 3 प्लस d इक्वल टू 13, देन d इक्वल्स टू 13 माइनस 9 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 4. क्लियर. तो इस तरह से आपसे 102 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप होता है एक्सरसाइज 3.1 में. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का हम बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन लेते हैं. यस क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड में आवा क्वेश्चन है. रीड क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13. एफ एक्स इज गिवेन, दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 एंड यू टू प्रूव व्हाट इज एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई. तो एफ एक्स तो गिवन है, इसे एफ वाई फाइंड करें. तो जब फंक्शन का डोमेन एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो रेंज भी एक्स पे डिपेंड कर रही है. अब यहाँ फंक्शन का डोमेन वाई पुट कर देंगे तो यहाँ भी फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे,
y. Clear? Now this is cos y minus sin y 0, sin y cos y 0 and this is 0, 0, 1. अब अगर हम इनका LHS ले लें and LHS is fx into fy, तो प्रोडक्ट कर दें, fx is cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1 into fy is cos y माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन. अब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं. क्लियर? सी हियर, नाउ दिस इज कॉस एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय कॉस वाई, फिर ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज माइनस साइन एक्स साइन वाई. क्लियर? नेक्स्ट ये इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो. नेक्स्ट कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन वाई, दिस इज माइनस कॉस एक्स साइन वाई एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस इज माइनस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई एंड दिस इज, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज जीरो. यस, आगे सिंप्लीफाई करें. नाउ सी हियर, अब दिस रो इज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, दिस इज साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और जब इसको हम इससे प्रोडक्ट करेंगे दिस इज जीरो. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस रो इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, दिस इज माइनस साइन एक्स साइन वाई एंड प्लस कॉस एक्स कॉस वाई एंड दिस इज जीरो. जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो. नाउ दिस इज जीरो जीरो जीरो, नाउ दिस इज जीरो, नेक्स्ट इज जीरो and x is 0, 0 and 1 into 1 is 1. Clear? And this is the identity of cos A cos B minus sin A sin B is cos A minus B. Clear? Cos A plus B, this is cos x plus y. इसमें minus common ले लें तो identity बन रही sin A cos B plus cos A sin B, this is the identity of sin x plus y. Next 0, sin A plus B की identity बन रही है sin A cos B plus cos A sin B. ये cos A cos B minus sin A sin B is the identity of cos x plus y 0 0 0 1. और अगर हम यहाँ पे फंक्शन का डोमेन x plus y रख देंगे तो एलिमेंट्स पे जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, cos x plus y minus sin x plus y 0, यानी इस फॉर्मेशन में आ जाएगा. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ x plus y एंड नाउ दिस इज योर राइट हैंड साइड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3. 3.3 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स. क्लियर? तो यहां पर हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं बोर्ड ओरिएंटेड. सी हियर, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.3. Here to given matrix A is 3, 3, minus 1, minus 2, minus 2, 1, minus 4, minus 5, 2 and its weightage is 3 to 4 marks. बहुत important question है. इसको express करना is the sum of symmetric and skew symmetric matrix. So let P equals to, अभी just बताया मैंने, हम assume करेंगे symmetric form में half of A plus A dash and Q is half of A minus A dash. Clear? So first of all we will take in its transpose. इसका transpose निकाल लें, 3, 3, minus 1, minus 2, minus 2, 1, minus 4, minus 5, 2. इसका जैसे ही transpose निकालेंगे, now row is converted into the form of column. Now this is 3, 3, minus 1, minus 2, minus 2, 1, minus 4, minus 5, 2. Clear? अब मैं P फाइंड करता हूँ, दिस इज हाफ ऑफ A. A मैट्रिक्स इज 3, 3, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 2, 1, माइनस 4, माइनस 5, 2, प्लस A ट्रांसपोज इज 3, 3, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 2, 1 एंड दिस इज माइनस 4, माइनस 5, 2. क्लियर? अब इसका सम करते हैं हम यहाँ पे. सी हियर, इनका सम करें, दिस इज हाफ. सी हियर, 3 प्लस 3 इज 6, 3 माइनस 2 इज 1, माइनस 1 माइनस 4 इज माइनस 5. क्लियर?
दिस इज माइनस टू प्लस थ्री इज वन, माइनस टू इज माइनस फोर, वन माइनस फाइव इज माइनस फोर, अगेन माइनस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री इज वन, माइनस टू इज माइनस फोर, वन माइनस फाइव इज माइनस फोर, माइनस फोर माइनस वन इज माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस वन इज माइनस फोर, एंड टू प्लस टू इज फोर, क्लियर। देन नेक्स्ट वे टू फाइंड क्यू, क्यू को फाइंड करते हैं हम। देन क्यू इज हाफ ए, ए मैट्रिक्स इज व्हाट इज थ्री थ्री, माइनस वन माइनस टू वन, माइनस फोर माइनस फाइव टू, प्लस सॉरी माइनस, एंड ए ट्रांसपोज इज थ्री थ्री, माइनस वन माइनस टू वन, एंड माइनस फोर माइनस फाइव टू। अब यहां पे हम इसका सब्सट्रैक्शन कर दें, सी हियर, नाउ दिस इज हाफ, थ्री में थ्री सब्सट्रैक्ट किया जीरो, थ्री प्लस टू इज फाइव, माइनस वन प्लस फोर इज थ्री, नेक्स्ट माइनस टू माइनस थ्री इज माइनस फाइव, क्लियर। नेक्स्ट इज माइनस टू, एंड माइनस माइनस प्लस टू इज जीरो, वन प्लस फाइव इज सिक्स, नेक्स्ट माइनस फोर प्लस वन इज माइनस थ्री, माइनस फाइव माइनस वन इज माइनस सिक्स, एंड टू प्लस टू इज फोर। देन p प्लस क्यू का जब हम सम करेंगे तो हाफ कॉमन ले लें। अब यहां पे ऐड करते हैं सिक्स प्लस जीरो इज सिक्स, नेक्स्ट वन प्लस फाइव इज सिक्स, एंड माइनस फाइव प्लस थ्री इज माइनस टू, क्लियर। फिर ऐड करते हैं वन माइनस फाइव इज माइनस फोर, माइनस फोर प्लस जीरो इज माइनस फोर, नेक्स्ट माइनस फोर प्लस सिक्स इज प्लस टू, माइनस फाइव माइनस थ्री इज माइनस एट, माइनस फोर माइनस सिक्स इज माइनस टेन, एंड फोर प्लस फोर इज एट, क्लियर। और हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिक्स बाय टू थ्री टाइम गया, सिक्स बाय टू थ्री, माइनस टू बाय टू इज माइनस वन, माइनस टू वन, माइनस फोर माइनस फाइव फोर, एंड दिस इज योर मैट्रिक्स ए। तो हमने जो हमारी मैट्रिक्स ए थी इसको एक्सप्रेस कर दिया एज द सम ऑफ व्हाट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर थ्री मैट्रिसेस। थैंक यू सो मच।